पावर ग्रिड के शेयर के ऊपर में दोस्तों आपके चैनल पे लास्ट वीडियो जो आया था करीब 5-6 महीना पहले, तो उसके बाद इस स्टॉक ने दोस्तों 26 से 27% का रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पावर ग्रिड शेयर का रिव्यू करेंगे और उसकी एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं आगे अब नजर आ रही हैं। दोस्तों इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस चार्ट पर मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, उस आधार पर इसके संभावित टारगेट को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूंगा, पावर ग्रिड जो है वो एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है दोस्तों, और ये लगातार दोस्तों इसने 8 सालों से ये पोजीशन अपनी रिटेन की है उस लिस्ट में, और टॉप 50 लिस्ट में तो अकेली कंपनी है इंडिया से जो वो फिगर करती है, और इसकी पोजीशन 9th है दोस्तों। तो दोस्तों मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों पहले पावर ग्रिड के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोग चलेंगे दोस्तों। दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है एक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है दोस्तों, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.5 ट्रिलियन रुपीज है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर इस कंपनी की अगर ब्रॉडर ओवरव्यू लेने की कोशिश करें, तो ये स्टॉक जो है फिलहाल 39% अपने फेयर वैल्यू प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा है, और इसकी अर्निंग्स जो है 15.1% से पर ईयर ग्रो की है पिछले 5 साल के दौरान। दोस्तों अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो फाइनेंशियल हेल्थ पैरामीटर्स में अगर देखें तो 6 पैरामीटर्स में 3 में ये पास होती है, पास परफॉर्मेंस में देखें तो 6 पैरामीटर्स में 4 पैरामीटर्स में ये पास होती हुई नजर आती है, और वैल्यूएशन टर्म्स में दोस्तों 4 पैरामीटर्स में आउट ऑफ 6 ये पास होती हुई नजर आती है, और एक प्रोवन डिविडेंड पेइंग कंपनी है और एक अच्छा डिविडेंड पे करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब एक नजर डाल लेते हैं पावर ग्रिड के रीसेंट न्यूज के बारे में और अपडेट्स के बारे में। तो सेकेंड क्वार्टर FY22 का जो आया था दोस्तों, उसमें इसका EPS था 4.84, जो अधिक था 4.43 था सेकेंड क्वार्टर 2021 में। अगर इस स्टॉक को देखें दोस्तों तो ये एक लेस वोलाटाइल स्टॉक है अगर इंडस्ट्री की वोलाटिलिटी से कंपेयर करें, और इसका बीटा अगर चेक करेंगे दोस्तों तो less than 1 है, जो इसे लेस रिस्क की कैटेगरी में डालता है दोस्तों। पावर ग्रिड का दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है नियरली 40% है, और डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा अलार्मिंग है दोस्तों, क्योंकि 178.8% है डेट इक्विटी रेशियो। अब वैल्यूएशन टर्म्स में अगर देखें दोस्तों तो करंटली ये करीब 215 रुपए के आसपास में ट्रेड हो रहा है, जबकि इसकी फेयर वैल्यू प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो रही है 354.35 पे, तो एक अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पी ऑल्सो पी रेशियो इसका सिर्फ दोस्तों 9.2 है, इसका मतलब 10 के नीचे है, और फर्दर इसमें डिटेल जाएंगे तो इसका जो TTM बेसिस पे पी रेशियो है वो पिछले 3 साल 5 साल और 10 साल से पी रेशियो कम है, और दोस्तों पी रेशियो के कंपेयर में अगर इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज इंडस्ट्री का पी देखें तो वो 25.7 है, तो यहां पर वैल्यूएशन टर्म्स में ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। पीबी रेशियो के टर्म्स में ये ओवर वैल्यूड नजर आता है अगर उसे हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें, क्योंकि इसका पीवी रेशियो 1.9 है जबकि इंडस्ट्री का पीवी रेशियो जो है 1.7 है दोस्तों। अब दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसका 21% है, जबकि इंडस्ट्री का या सेक्टर का 11.7% है। पावर ग्रिड का आरओए 9.2% है, जो इंडस्ट्री के 6.7% से बेहतर है। वहीं आरओसी के टर्म्स में लास्ट ईयर का इसका आरओसी था 11.3%, और पिछले 3 साल पहले इसका आरओसी था 9.1%, तो दोस्तों आरओसी में पिछले लास्ट 2 साल में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया है।
अब डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों तो अलार्मिंग फैक्टर है क्योंकि 167% है जो काफी हाई है, लेकिन जो ट्रेंड है दोस्तों वो रिड्यूसिंग डेट का है, जो रिड्यूस हुआ है 242.4% से यहाँ पर रिडक्शन देखा गया है। इसके अलावा जो इसका डेट है वो वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो के द्वारा, और इंटरेस्ट पेमेंट जो डेट पे है वो ईबिट के द्वारा वेल कवर्ड है दोस्तों। इसका दोस्तों करेंट डिविडेंड यील्ड जो है 4.65% है दोस्तों, नियरली 4.7%, जो एक बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर यहां देखें दोस्तों तो इंडिया में जितने भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, टॉप 25 कंपनीज, उनसे भी कहीं बेहतर है, क्योंकि एवरेज टॉप 25% कंपनी जो इंडिया में है स्टॉक मार्केट में, उसका एवरेज जो आता 3.6%, लेकिन इसका करंट डिविडेंड यील्ड जो है 4.7% है, तो ये एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है दोस्तों। अब दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में। हम सभी जानते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार के पास इसका 53.7% स्टेक है, वहीं इंस्टीट्यूशंस के पास 35.1% है और जनरल पब्लिक के पास 11.2% है, वहीं इंडिविजुअल इंसाइडर्स के पास 0.0002% है, जो ऑलमोस्ट नेगलिजिबल है दोस्तों। तो चलिए अब इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं ताकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझेंगे और इसके प्राइस टारगेट को निकालने की चेष्टा करेंगे। लॉन्ग टर्म बेसिस पे पावर ग्रिड का शेयर कैसा नजर आ रहा है इसकी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों पावर ग्रिड शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं मंथली प्राइस चार्ट से। पहले एक नजर डालते हैं हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पर। यहां पर देखिए इस ट्रेंड लाइन को, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया और यहां सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया। इसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन खींची गई है, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और यहां भी प्राइस का रिजेक्शन इसका था अक्टूबर 2021 में और इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक राइजिंग प्राइस चैनल के अंदर में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्राइस में एक्सपांशन होता हुआ नजर आ रहा है जो काफी एविडेंट है। ब्रेकआउट के बाद आप देखिए प्राइस ने क्लियर कट एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन किया दिसंबर 2021 में, और अपर फाइबर जो ये राइजिंग प्राइस चैनल का है इस पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। और करंट मंथ जनवरी की कैंडल ऑल्दो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं इस महीने में, लेकिन करंट कैंडल में बाइंग आती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इस राइजिंग चैनल का जो अपर फाइबर है वो एक सपोर्ट के रूप में इंडिकेट कर रहा है और बाइंग आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर दोस्तों मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, वंस अगेन प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, और ये मल्टीपल बॉटम्स जो है, आप इसे ट्रिपल बॉटम बोलें या ईव ईव एडम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बोलें, तो इसका अपेक्स जो है इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ और यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों अपसाइड मूव हो रहा है। अगर इस पैटर्न को देखें तो ये कहीं ना कहीं राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट यहां हुआ, तो अब डबल बॉटम के फॉर्मेशन या ट्रिपल बॉटम का टारगेट निकालें या राउंडिंग पैटर्न का जो करीब 3 साल से अधिक का राउंडिंग पैटर्न है उसका टारगेट निकालें, टारगेट तो सेम आएगा दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के स्टडीज के आधार पर। तो इसके आधार पे टारगेट जो आता है वो 235 236 पर अगला पॉसिबल टारगेट आता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस में अगर हम देखें तो अभी भी 10% का मूव इसमें नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न या मल्टीपल बॉटम्स का ब्रेकआउट जो हुआ है इसके अगर 100% एक्सपांशन को देखें तो वो आता है दोस्तों 290 291 पे, जो एक अच्छा टारगेट नजर आ रहा है। अब इसकी दोस्तों मैंने यहां पे मार्क की है फेयर वैल्यू प्राइस, जो अभी हमने चर्चा की फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान, तो वो 354 है। 354 क्या कोई की लेवल पे आता है? तो दोस्तों देखिए इसके अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और ये मल्टीपल बॉटम के टारगेट को हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो 127.2% का एक्सपेंशन लेवल करीब 354 के पास में आता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में तो अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी ब्रॉडर इसके अच्छे हैं। इसके अलावा
वैल्यूएशन टर्म्स में भी ये अट्रैक्टिव नजर आया जैसी अभी हमने चर्चा की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट पर ताकि प्राइस एक्शन को हम फर्दर फाइन ट्यून करके स्टडी कर सके। अब दोस्तों हम रेफर कर रहे हैं पावर ग्रिड शेयर के वीकली प्राइस चार्ट को। यहां पर सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि 2020 के बेयर मार्केट में जहां इसने एक लो बनाया इस जगह पे, तो डाउन ट्रेंड के बाद में ये अप ट्रेंड की जब से शुरुआत हुई है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का यहां सपोर्ट है, प्राइस का यहां सपोर्ट है, प्राइस का यहां सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में अगर हम सोचें तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक रेफरेंस ट्रेंड लाइन हो सकती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड को राइड करने में एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में। दोस्तों इससे 180 नीचे अगर हम स्टॉप लॉस को रखें ताकि रिस्क को भी मैनेज करते चले जाएं और जो कमाया हुआ प्रॉफिट है उसको प्रिजर्व करने की क्षमता हमारे में रहनी चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर देखें दोस्तों एक और ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार पावर ग्रिड शेयर के वीकली टाइम फ्रेम में कि जब भी करेक्शन होता है ईएमए 21 पे प्राइस सपोर्ट लेती है। प्राइस ने यहां पर ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहां पे मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं, वंस अगेन यहां सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ईएमए 21 जो इस ट्रेंड लाइन से काफी विसिनिटी में है तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है राइजिंग ट्रेंड लाइन और ईएमए 21 दोनों एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में प्राइस एक्शन एनालिसिस से एस्टैब्लिश होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों तो दोस्तों अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पर ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम स्टडी कर सके। अब दोस्तों हम रेफर कर रहे हैं पावर ग्रिड शेयर के डेली प्राइस चार्ट को। सबसे पहले ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर है, ईएमए 55 एसएमए 144 के ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बुलिश नजर आ रहा है दोस्तों, और ये मार्कअप फेज में वेल डिफाइंड मार्कअप फेज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट पे हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जब भी करेक्शन होता है ईएमए 55 पर ये सपोर्ट लेता है, यहां पर इसने सपोर्ट लिया, और वंस अगेन रीसेंट टाइम में देखें तो 19 जनवरी 2022 को एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ने ईएमए 55 पर एक सपोर्ट लिया। दोस्तों अब यहां पे प्राइस एक्शन को समझें, यहां रेजिस्टेंस था, यहां मल्टीपल रेजिस्टेंस था, इसका यहां ब्रेकआउट हुआ। अब दोस्तों डाउनसाइड में देखिए यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बना था 29 नवंबर को, तो ये जो जोन है दोस्तों 198 से लेकर 204 का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया के रूप में हम प्राइस चार्ट पर देख सकते हैं, और उस जोन में ही आ रही है ईएमए 55 दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि अभी रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा देखें ये काउंटर ट्रेंड लाइन को जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, जिसका एक ब्रेकआउट हुआ 20 जनवरी 2022 को और सब्सटेंशियल राइज देखा गया वॉल्यूम का दोस्तों। इसके अलावा जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था इस बैंड का, प्राइस जब कंसोलिडेट कर रही थी और ट्रेडिंग रेंज नैरो हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो वॉल्यूम में डिप्लीटिंग इफेक्ट था, घटता हुआ वॉल्यूम नजर आ रहा था, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में है पावर ग्रिड के शेयर में। और यहां देखिए इस पोल का ये कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इस बुलिश फ्लैग के आधार पर एक टारगेट को निकालने की चेष्टा करें तो दोस्तों देखिए इसका टारगेट 226 इमीडिएट टर्म्स में निकल रहा है और उसके बाद 239 240। तो ओवरऑल जो है व्यू कि इसमें एक ट्रेंड को राइड करना चाहिए और एक निवेश की प्रक्रिया में ट्रेंड को राइड करते करते हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है ताकि रिस्क को भी मैनेज कर सकें एंड प्रॉफिट को भी प्रिजर्व कर सके दोस्तों। और ऑलरेडी इस स्टॉक ने पिछली एनालिसिस जो 5-6 महीने पहले की गई थी तो 26-27% का रिटर्न 5-6 महीने में दिया है, तो एक्सीलेंट रिटर्न है दोस्तों। अब उसे प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो उसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।